खबर करारा से, जहां 84 क्षेत्रीय गहोई वैश्य महिला सभा की प्रथम बैठक श्री बगीचा सरकार की पावन नगरी करेरा में आज गुरुवार दोपहर को मधुर मिलन पैलेस बस स्टैंड पर आयोजित की गई है। वर्ष प्रतिपदा नवत्सर के आगमन से पूर्व 84 क्षेत्र महिला सभा अध्यक्ष ज्योति अनिल डेगरे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मंडल श्रीमती गीता नगरिया, बबीता विजयपुरिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती भावना रूसिया, चंबल क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमती राखी गेड़ा, 84 क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमती ज्योति डेंगरे आदि अतिथियों को मंचासीन कराया गया। बैठक में सर्वप्रथम मां सरस्वती दद्दा मैथिली शरण गुप्त की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। मंच पर मंचासीन लोगों का स्वागत किया गया। करेरा गहोई समाज पूर्व अध्यक्ष मनीषा नौगरिया ने बताया कि 84 क्षेत्रीय गहोई वैश्य महिला सभा की प्रथम बैठक में सभी कार्यकारिणी पदाधिकारी करेरा, पिछोर, दिनारा, सिरसौद, भौती, गुना, खोड़, शिवपुरी सहित सभी की सहभागिता रही। इस अवसर पर अखिल भारतीय महिला महासभा की राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल हुई। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन बैठक के बाद ये पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक के में सभी अतिथियों ने अपने अपने उद्बोधन दिए। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती गीता नगरिया ने कहा कि बच्चों में अच्छे संस्कार दें। कार्यक्रम में आभा निगोती, पद्मा पंसारी, दीप सुनीता कनकने, सुमन बरसैया, नीलम गेड़ा, अंजू चौधरी, सुलेखा चौधरी, रश्मि सोनी, सुमन सोनी, सुलेखा कोठारी, लक्ष्मी कसाव, ज्योति रुसिया, शोभा चौदा, रजनी बिलैया, मनीषा कंथरिया, अर्चना अमर, सविता गेड़ा, निधि बड़कुल, मोहिनी निगोती, जूली छिरौलिया आदि महिलाएं उपस्थित रही। कार्यक्रम में मनीषा नगरैया के द्वारा महिलाओं के को गेम भी कराए गए। विजेता महिलाओं को पुरस्कार भी दिए गए। मंच संचालन मंत्री तरुणा निखरा के द्वारा किया गया। अंत में सभी महिला मंडल का स्वरुचि भोज कराया गया। करेरा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। अभी तक चल रहे हैं उस हिसाब से हमारा नया वर्ष यही है और हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे भी है ना उस चीज को सीखेंगे। तो पैसे जो हम लोग जनवरी फरवरी वाला जो मंथ यूज करते हैं तो कार्यकाल मतलब अपने जो काम हम लोगों के जो चलते हैं जो दिनचर्या हमारी चलती है तो उनसे ही चलती है तो उनका अपना अलग महत्व है और ये जो हमारा पुराना कल्चर है इसका एक अपना अलग महत्व है। तो दोनों के अपने अपने पार्ट्स हैं और हमें दोनों की तरह दोनों के ही साथ में आगे बढ़ना है। और एक छोटी सी एक छोटा सा बात ही कहूँगी कि यादगार गुजरे दिनों का नाम हो गई और आज हम जब करेरा में आए करेरा में आए तो ये हमारी जिंदगी में एक यादगार लम्हे की तरह रहेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आकर और आप लोगों का प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। हमें आने का अवसर प्राप्त हुआ, बहुत खुशी हुई कि ज्योति जी और तरुणा जी ने मुझे याद किया। आप सबसे मिलने का मौका मिला, आप सबसे रूबरू हुए। बहुत खुशी होगी कि हमारी महिला मंडल इतनी सक्रिय हो रही है। अब तो जहाँ भी जाओ वहाँ मेला लगा हुआ है माता शक्ति का, तो दिल प्रफुल्लित हो जाता है कि हम लोग इतने कार्यशैली हमारी इतनी तीव्र हो रही है कि हम हर जगह हर चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर त्यौहार, हर पर्व, हर चीज़ को सेलिब्रेशन हो रहा है। इस मंथ पूरे मंथ महीने सेलिब्रेशन ही हुआ है होली का लेके। तो ये लगता है कि चलो आज हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं। पर मैं चाहती हूँ कि हमें थोड़ी सी सर्विस क्लास पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम थोड़े से कुछ अच्छे सर्विस क्लास प्रोग्राम करें जो एक मैसेज समाज में बहुत अच्छा जाए। हम लोग उत्साह तो काफ़ी मना लेते हैं पर कुछ मैं ज्योति जी कहूँगी कुछ अच्छे कार्यक्रम करो आप लोग और मतलब पर्सनल डेवलपमेंट में कुछ ट्रेनिंग्स हो हमारी। मैं आभार ज्ञापित करती हूँ साथ ही आप सभी ने अपनी गरिमा में उपस्थित से कार्यक्रम में जो गौरव बनाया है सारे आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। जय गहोई, जय भारत। बैठक की शोभायमान बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हम सबकी प्रिय हम सबको साथ लेकर चलने वाली हमारी महिला महासभा की अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती गीता नगरिया जी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें। भावना रुचिया जी का सबको समय समय पर
कार्य के लिए हमें प्रेरित करने वाली ऐसी रुचिया जी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें। दतिया से आई हुई हमारी महिला महासभा की और महिला सभा की भी सदस्यता लेनी चाहिए। अब उसमें क्या है, महिला सभा की सदस्यता में मैंने प्रभारी के तौर पर मैंने दीदी से लिस्ट मांगी है, क्योंकि कई बार क्या है कि कई लोगों की रसीद कटवा ली है, सदस्यता उन्होंने ले ली है, लेकिन उनका नाम नहीं आया, उन्हें पता नहीं है, तो हाँ उनको पता नहीं है, इसलिए अपन उसको क्लियर करेंगे। और मैं ज्योति दीदी से कहूंगी कि आप क्या करें कि महिला सभा जो अपनी रसीदें कटवाएं अलग अलग पंचायतों में, और अपन उसको जल्दी से जल्दी जितनी ज्यादा रसीदें कटेगी अपन पंचायत के लोगों को पुरस्कृत करेंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ सम्मान जरूर करेंगे उनका, जो पंचायत के ज्यादा रसीद काटेंगे ना उनको अपन सम्मान करेंगे। महिला सभा में 84 क्षेत्रीय सभा की अधिकतर भागीदारी हो ये सुनिश्चित करना है, उसमें अपन को ज्यादा से ज्यादा रसीदें काटनी है पूरी पंचायत, और जो लोग नहीं मतलब मैं लिस्ट ले लूंगी तो इससे वो रहेगा कि कौन कौन बना है, उसमें आप लोगों को टाइप करवा के दे दी जाऊंगी। और आप सभी ने इतना अच्छा आयोजन रखा, बहुत अकेला मतलब रहना पड़ रहा है, तो हमें अपने समाज की तरफ से उनकी काउंसलिंग करके यदि उनका दोबारा घर बस सकता हो तो ये बहन बहुत अच्छी बहन होगी, और मतलब इसके लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। लेकिन थोड़ी सी मतलब उनको काउंसलिंग करके, अब एक साल हो भी गया है इस घटना को घटे, थोड़ा सा माइंड शुरू में यदि कहते तो शायद उनको नहीं अच्छा लगे, लेकिन यदि कोई इच्छुक है तो उसकी अपने महिला सभा या आपके क्षेत्रीय सभाओं की तरफ से इन्हें जरूर पहल करना चाहिए और इस कार्य में अपने सहयोगी बनना चाहेंगे। ये बहुत अच्छा कार्य होगा यदि किसी का घर से घर जो है दोबारा से बस जाए, बच्चों को परिवार मिल जाएगा और सब एक कंप्लीट फैमिली हो जाएगी, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि आप लोग सभी लोग पहल करें, बहुत अच्छा ये है। समाज की उन्नति तभी होती है जब उसमें संस्कारवान बेटे बेटियां हो, तो हमें कुछ हमारे जो है कार्यक्रम होते हैं जो हमें रखना है अपनी महिला सभा की तरफ से, हम चाहते हैं कि समाज हमारा उन्नति करे, तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारवान बने, तो हम लोगों को ऐसे संस्कारवान बनाने के लिए एक संस्कार शिविर वगैरह का आयोजन करना चाहिए छोटी छोटी पंचायतों में, जिसमें हम बच्चों को थोड़ी बातें सिखाएं, क्योंकि कहते हैं ना यदि आपने बच्चों को महंगे खिलौने नहीं दिए वो थोड़ी देर के लिए रोएगा, किंतु आपने संस्कार नहीं दिए अभी उसके जीवन में तो वो जिंदगी भर रोएगा, तो हमें जो है आज के संस्कारवान अपने बच्चों को बनाना, क्योंकि इसकी वजह से हमारे समाज में बहुत सारी विकृतियाँ आ रही हैं और इनको हमें समय रहते दूर करना है। तो जैसे कि तलाक के मामले बहुत आते हैं, तो हमारी जो बच्चियां हैं तो क्या होता है, बच्चियां साथ बचपन से ही एक सब माओं से मेरा निवेदन है कि जैसे ही बच्ची हुई थोड़े बड़ी हुई माएँ कहने लगती बेटा ससुराल में जाओगी तो ऐसा होगा, अभी चैन से रह लो फिर तो तुम नहीं रह पाओगी, मतलब शुरू से उसके मन में ऐसा माइंडसेट कर दिया जाता है कि ससुराल माने कष्ट की जगह है, तो ये जब विचार लेके बच्ची ससुराल जाती है तो वो एडजस्ट नहीं कर पाती है, तो हमें इसकी शुरुआत अपने घर से ही करना चाहिए, बचपन से ही उसको बच्चे को नहीं वो भी तुम्हारे माता पिता हैं उनकी तुम्हें सेवा करना है, जो पहले के ज़माने में हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि वही घर है, ठीक है यदि बच्ची आपकी कष्ट में है आप उसका साथ दीजिए, लेकिन सबसे पहले बचपन से ही उसको ये सिखाइए, उसके माइंड सेट करिए कि वो भी आपका घर है, वहाँ भी आपको अच्छे से रहना है, तो क्योंकि है ना आजकल जो है लड़कियाँ हैं अपने माँ बाप की सब आजकल लड़के लड़कियों में कोई भेद तो है नहीं है, सभी के एक एक दो दो बच्चे हैं, तो जैसे लड़कियाँ हैं अपने माँ बाप को जितना चाहती हैं तो लड़के वालों के लड़कों अपने सास ससुर की भी उतनी ही उनको चाहना चाहिए, क्योंकि जैसे कहते हैं ना माँ बाप कहीं कहीं जनवरी को हम जाना बहुत लेते हैं, लेकिन नहीं हमारी जो भारत की संस्कृति है उसमें तो केवल सम्मान सरकार की महत्व है और वही हमारे लिए है, जब हमारी सृष्टि हुई थी आज संबल के सर के हमारी सृष्टि हुई थी और इसका नाम इसलिए संबत्सर रखा गया है, इसी दिन हमारे ब्रह्मा जी ने तो क्या कहते हैं काल चक्र का भी निर्माण किया था, तभी उसी से चंद्रमा सूर्य सबके ग्रहण चलते हैं और वही हमारे यहाँ प्रतिमा जो किया जाए तो
का निर्धारण हुआ था, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। हम तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इन सबको ज्यादा महत्व देते हैं। इसके साथ अब मैं सभी अपनी बहनों को बहुत बहुत नए वर्ष की शुभकामनाएं और नारी शक्ति को बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। इसके साथ मैं चाहती हूँ कि हमारी मातृशक्ति जो एक माँ के रूप में है, उन सब माँ के लिए कुछ मैं कहूँ, कुछ मैं बोलूँ। सबसे न्यारी माँ की ममता सबसे न्यारी, क्यों समझ ना आए आए रे, फिर पीछे पछताए आए रे, फिर पीछे पछताए। नौ महीने तुमको कि में रखा, बड़े जतन से दूध पिलाया, गीले से सूखे में डाला, लोरी गागा आए हाए रे, क्यों पीछे पछताए हाए रे, क्यों पीछे पछताए। माँ की ममता, माँ की ममता सबसे न्यारी, क्यों समझ ना आए हाए रे, फिर पीछे पछताए हाए रे, फिर पीछे पछताए। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, माँ की ममता ढाली तुम्हारा, इस कवच को इस ढाली को आगे कर ले, इस ढाली को आगे कर ले, सभी जग जीता जाए हाय रे, क्यों पीछे पछताए हाय रे, क्यों पीछे पछताए।